दोस्तों, अगर आप गूगल मैप की मदद से अपने फैमिली मेंबर्स की लोकेशन को ट्रेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोस्तों आप अपने फैमिली मेंबर्स की लोकेशन को, चाहे दोस्तों वो आपकी फैमिली के बच्चे हों या फिर दोस्तों कोई भी लेडीज पर्सन हो या फिर आपके पेरेंट्स हो, उनकी लोकेशन को आप जो है ट्रेस कर पाओगे। दोस्तों कई बार जब हमारे बच्चे या फिर दोस्तों हमारी कोई भी फीमेल पर्सन फैमिली का वो घर से बाहर निकलता है तो हमें परवाह लगी रहती है कि वो कहाँ अपनी लोकेशन पे पहुंचा नहीं पहुंचा या फिर कितनी लेट हो गया और कहाँ पे है, कितनी देर में वो हमारे पास आने वाला है, तो इन सभी चीजों की दोस्तों परवाह लगी रहती है। और अगर दोस्तों आप जो है उनकी लोकेशन को देख पाओगे अपने स्मार्टफोन में, अपने गूगल मैप में, तो दोस्तों आपको थोड़ा सी तसल्ली दिल में हो जाती है कि हाँ ये सही सलामत मतलब अपनी लोकेशन की तरफ को जा रहा है या फिर कितनी देर में वो हमारे पास आने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट हमें भी मिलता रहना चाहिए, ऐसी दोस्तों यूजफुल कंटेंट आपके लिए भी हम देते रहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल मैप के द्वारा अपने फैमिली मेंबर्स की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जिसकी भी लोकेशन आपको ट्रेस करनी है उसके फोन में गूगल मैप में आपको चल जाना है। और यहाँ पे दोस्तों 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोकेशन शेयरिंग का, तो इस पे दोस्तों आपको जाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि कितने टाइम के लिए आपको शेयर करना है, तो वो टाइमिंग आप जो है यहाँ पे बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 3 दिन की यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जब भी वो बाहर जाए तो दोस्तों आप जो है उसकी लोकेशन को देख सकें, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि जब तक दोस्तों यहाँ पे ऑफ नहीं होगा तब तक वहाँ पे लोकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है इस ऑप्शन के द्वारा भी आप जो है लोकेशन शेयर कर सकते हैं, तो जब भी दोस्तों वो बंदा बाहर निकलेगा तो आप दोस्तों उसकी लोकेशन को देख पाएंगे। तो जैसे भी दोस्तों आप चाहें वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कॉन्टेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, और उस कॉन्टेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसे भी शेयर करना है वहाँ पे शेयर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले ही एक कॉन्टेक्ट है जिसे मैंने शेयर किया था, ये मेरा दूसरा नंबर है। और यहाँ पे दोस्तों मैं इसे एक लोकेशन शेयर कर देता हूँ अपनी 15 मिनट के लिए, और यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैंने लोकेशन शेयर कर दी है, आप देख लेते हैं अपने दूसरे फोन में कि किस तरीके से यहाँ पे लोकेशन जो है हमें शो हो जाती है, और किस तरीके से दूसरे फोन से जो है हम अपने फोन से अपने बच्चे की या अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। दोस्तों अपने फैमिली मेंबर की लोकेशन देखने के लिए हमें यहाँ पे गूगल मैप पे ही जाना होगा, और यहाँ पे दोस्तों 3 लाइन पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों लोकेशन शेयरिंग में हमें जाना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे आप एक लोकेशन कॉन्टेक्ट दिख रहा है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देख पाओगे कि क्या लोकेशन है और एड्रेस वगैरह सब आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों कितनी बैटरी परसेंटेज है और कितनी देर में वो आप तक पहुंच जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाती हैं। और आप जो है अगर आपको लग रहा है कि लोकेशन सही से नहीं दिखा रहा, तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से आप लोकेशन हाइड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप जो है अपनी लोकेशन भी यहाँ से उस कॉन्टेक्ट को शेयर कर सकते हैं, तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हैं और उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल मैप का। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।